गाइस फाइनली एंट्री हो चुका हूँ मैं। भूटान गेट सुबह इधर से बाइक लेके जाएगा और मैं इधर से पैदल घुसूंगा। एंड बाय द वे भूटान में एंट्री होके आपसे बात करता हूँ, ठीक है? गाइस फाइनली एंट्री हो चुका हूँ मैं भूटान में, पीछे देख सकते हो। फाइनली सुबह को मिल गया, बाइक चला। गाइस फाइनली पेट्रोल नहीं मिला हम लोगों को इधर, तो और एक पेट्रोल पंप पे जाएंगे और लेट्स गो चलते हैं, आप लोगों को व्यू भी दिखाते हैं। हम लोगों के साथ एक भैया भी मिल गया पेट्रोल भरवाना है भैया को भी, चलो एक साथ चलते हैं। एक दिक्कत हो गया, सो हम लोग पेट्रोल भरवाने आए थे, सो कहीं पर भी पेट्रोल नहीं मिल रहा है। मतलब लाइक टू एनिमी जैसा फील आ रहा है, मैं एनिमी के साइड में आ गया, बस ऐसा टाइप का कुछ बोलना चाह रहा हूँ। बट लग तो रहा है वैसे ही, बट बहुत ही सुंदर प्लेस है भाई। एंड आप लोगों को व्यू दिखाता हूँ, एंड देखो गाइस बहुत ही सुंदर है। मजा आया। एंड मैं सोच रहा था काशी हम जाऊंगा घूमने, बट भूटान तो बहुत ही सुंदर है। बड़ा तो वो सुबह कैसा लग रहा है भाई तुमको? तुमको अच्छा लग रहा है? बहुत सुबह बहुत खुश है, दिल गार्डन गार्डन जैसा हो रहा है अभी। एंड बाय द वे रहा, एंड पता नहीं है क्या मंदिर है एक, ठीक है? एंड चलो यार लेट्स गो अंदर चलते हैं अभी। बाय द वे भाई मंदिर का पीछे में कुछ ऐसा टाइप, एंड ये गोल गोल घुमा रहा है। बाय द वे अभी ये बंद है अभी। Oh
इधर जाएंगे गुम्फा मंदिर नहीं मिल रहा है, तो फिर बोला गुम्फा मंदिर हम लोग 1 किलोमीटर पीछे छोड़ के आए, हम लोग बहुत ऊंचाई पे आ गए। एंड बाय द वे इधर से थिम्पू चालू होता है, थिम्पू हम लोग नहीं एंट्री कर पाएंगे, बट हम लोग 24 आवर्स के लिए ही आए हैं। एंड जाने के लिए एक पास होता है, वो पास नहीं कर पाया, बट अभी दिखाता हूँ गेट। सो दिख रहा होगा आप लोगों को गेट, थिम्पू का होता है ना रूल्स, बहुत ही मेरे को बाइक चलाने में डर भी लग रहा था, वैसे अचानक से दूसरी कंट्री आ गया ना भूटान में, सो भूटान में सब कुछ अलग है। हम लोगों के इंडिया में जैसे एक ही रास्ते में चलने से फिर यू टर्न ले सकते, बट ऐसा कुछ नहीं है इधर, अब चले गए तो फिर से दूसरा रास्ता घूम के आना पड़ेगा। बट भाई बहुत रेस्ट्रिक्शन है इधर मैं बोल रहा हूँ, एंड बारिश भी पड़ रहा होगा आई थिंक थोड़ा थोड़ा करके। एंड बाय द वे एंड डॉग है, एंड इधर से थिम्पू सुन रहे थे, बट हम लोग इधर से नहीं जा पाएंगे, इससे आगे पहाड़ के ऊपर से सब कुछ दिखाई दे रहा है, जाएगा जुएगा सब कुछ दिखाई दे रहा है, नदी वदी। गाइस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना एंड सपोर्ट करना भाई, अपना भाई को इससे सपोर्ट करो, एंड जो भी वीडियो देख रहे हो आप लोग कमेंट करना। एंड कोई मतलब इसको तो कोई नॉलेज ही नहीं है, मेरे को भी नॉलेज नहीं है, बट हम लोग पहले ऐसे ही घूम रहे हैं, बाइक लेके आए बस ऐसे घूम रहे। एंड एक ब्रिज था उधर, हम लोगों ने वीडियो किया, बट उधर मतलब हम लोग नहीं रोक सकते, बट बाइक है हम लोगों के पास, तो उधर का व्यू आप लोगों को वीडियो में दिखा दूंगा, ठीक है। एंड ऐसे ही कुछ, एंड चलो यार हम लोगों के साथ, एंड देखते हैं अभी थोड़ा और कुछ एक्सप्लोर करते हैं। दे रहा कुछ व्यू देख सकते हो भाई, बहुत ही ऊँचे में है हम लोग अभी। एंड भूटान का टॉप कॉलेज है, अभी स्टूडेंट लोग आ रहे हैं, एंड कॉलेज है इधर इंजीनियरिंग कॉलेज है। भाई देवे मेरा आवाज़ सुनाई दे रहा है नहीं सुनाई दे रहा है मेरे को पता नहीं, बट अभी थोड़ा थोड़ा बारिश चल रहा है, अभी इधर का मौसम बहुत मतलब लूजिंग द मोशन हो रहा है अभी। एंड अभी चलते हैं, लेट्स गो। एंड भूटान का टॉप कॉलेज है, बट नहीं दिखा पाया, बट इधर का रूल्स रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक है, एंड जिधर उधर पे बाइक मत खड़ा करो यार, इंडिया का जैसा नहीं है। बहुत तकलीफ से मिला, अभी बारिश पड़ रहा है, बट बारिश भी बहुत अच्छा लग रहा है। अभी आप लोगों को व्यू दिखा दो, आप लोग देखो। एंड गाइस हम लोगों ने 30-30 करके मतलब एंट्री फीस कर दिया, 60 रुपीज़ हो गया हम दोनों का। एंड भाई हम लोग अभी एंट्री कर चुके हैं गुम्फा मंदिर तक, एंड भैया भी बहुत अच्छा था उधर, बातचीत चल रहा था, बट मैं उधर वीडियो नहीं कर पाया। क्या होटल में क्या साहब कुछ नहीं बोल रहे उसका, ला ला अच्छा आदमी है, भूटान में इंडिया से बहुत अच्छा है। हाँ वैसे उन लोगों का बात करने का तरीका बहुत ही अच्छा है, अच्छा लगता वैसे है। गाइस लिटरली मैं बोलूंगा इधर का वेदर इतना मस्त लग रहा है ना, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, एंड बहुत ही मतलब फीलिंग सो डार्लिंग। एंड वायदे आप लोगों को दिखाता हूँ, देख सकते हो कटहल कितने नीचे है, इतना कटहल नीचे हो गया देख सकते हो, हम लोग इधर में कटहल बोलते हैं, बट पता नहीं क्या बोलते हैं उसको। एंड हम लोग अभी एंट्री करने वाले हैं, ऐसा बहुत ही मस्त ब्यूटीफुल देख रहे हैं भाई, व्यू देखो यार, बट मतलब घोला हो गया, बट बोल सकते हो मेघला हो चुका है। एंड बाय द वे लिटरली बहुत ही सुंदर भाई, बहुत सुंदर। आप लोग एक चीज दिखाऊं, आप लोग देख के हैरान हो जाओगे, देख सकते हो मतलब देखो इधर से गिर जाओगे तो मतलब खत्म, पूरा ही खत्म। हम लोग अभी एंट्री करने वाले, सो इधर से एंट्री करेंगे, चलो आप लोगों को दिखाता हूँ। गाइस सभी पूजा चल रहे हैं, एंड फोटो भी इधर अलाउ नहीं है, बट लिखा हुआ है ऐसा कुछ, बट देखते अंदर घुसेंगे एंड देखते फोटो अलाउ करते हैं कि नहीं करते। कैमन लगता से दिल तुम्हारा गार्डन गार्डन लग रहा है ना तुमको, की अच्छी लो। गाइस सुबह देख सकते हो भाई चश्मा लगा के एक ना हीरो बन गया,
लड़की पटाने आ गया साला। नहीं नहीं ठरकी दोस्त है मेरा, ठरकी है क्या तुम? हाँ अरे इधर फोन से इधर की बोल तो इधर का था अच्छा इधर का उसी को। ओह गाइस देख सकते हो सुबह बहुत ही अच्छा पोज दिया भाई, मैं फटे जावे जल्दी से भाई, जो भी देख रहा है उसके लिए एक लड़की लड़की ढूंढना है, उसका शादी का उम्र हो चुका है अभी, उसको शादी करना है ठीक है। एंड बाय द वे भाई बहुत ही सुंदर व्यू ठीक है। कुछ खाने के लिए मिल गया, इधर दुकान मिल गया था, एक 10 रुपया का बिस्कुट ले आए हम दोनों, एंड नीचे जाके खाए क्या 5 टका का बिस्कुट है दाम। अच्छा तो बॉल पे लिखी बिस्कुट अवर बोली बॉल बिस्कुट अवर की बोलते थे क्या बोलना चाहता है, बिस्कुट खाए देख बाबू कम लगे 5 टका दाम बिस्कुट एक ने मिलो 10 टका। हां सो टोटल ओके बाइक चला भी जा भी देना वीडियो करना एक जगह दे देख ना। वाह एने मोबाइल कार मोबाइल करो तो आम मोबाइल तो मोबाइल देखो तो से हां सो गाइस अभी सुबह बाइक चला रहा है भूटान में राइडिंग करेगा, मैं तो उसको भूटान में सिटी में बाइक नहीं चलाने दिया, पक्का ये चलाता ना अभी टपक जाता हम नहीं, मैं तो नहीं। भाई इतना ही ले लग चुका है टाउन में सिटी में। एंड बाय द वे हम लोगों ने बाइक पार्किंग कर दिया ठीक है, अभी आधा घंटा का 10 रुपया एंड 1 घंटा का 20 रुपीज़ करके, एंड हम लोग अभी लोकली पैदल ही घूमेंगे। बट इधर बाइक मतलब क्या बोलूँ, इधर का रूल्स मैं आप लोगों को बता दूँ हाँ ठीक है, चलते चलते बताता हूँ। एंड इधर का जो होता है, अगर आप मान लो किसी रास्ते से घुस गए हाँ एंट्री कर गए, वैसे आप इधर से इधर मोड़ नहीं सकते, आपको उधर जाके उधर घूम के फिर इधर मोड़ना पड़ेगा भाई। इसका लिटरली मैं बोलूँ इधर इधर बाइक लेके घूमने से अच्छा पैदल घूमो यार, अगर थिम्पू विम्पू जाना है तो बाइक लेके चलो, वैसे कोई बात नहीं। वैसे आप एक रास्ते से चले गए तो वैसे यू टर्न नहीं ले सकते यार। और एक बात बाय द वे, आप लोग सोच रहे हो कोई नहीं दिख रहा होगा, आई थिंक आप ऐसे टर्न ले रहे हो, वैसे कोई लोग मेरे को हंस रहे हैं। एंड बाय द वे छोड़ो उन लोगों को, टाउन तो भाई बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को घूमने में, इधर एक शॉपिंग मॉल बोल सकते हो, सब चीज़ मिलता है इधर। एंड बाय द वे देखो जैसे हम लोगों का जैसे ही है बट थोड़ा अलग लग रहा है देखने में, हाँ बहुत ही अलग है बोल सकते हो। एंड अभी अभी पुलिस की बात बोलूँ तो इधर मतलब बहुत स्ट्रिक है, इधर से भी गुम्फा मंदिर थिम्पू एंड इधर से भी दोनों तरफ से आप जा सकते हो, मतलब आने का जाने का भाई हर तरफ सड़क ही सड़क है। एंड बाय द वे आप इस तरह से एक रास्ते पे आ गए फिर उस रास्ते से यू टर्न नहीं ले सकते, आपको दोबारा उस दोबारा बैक जाके दूसरे रास्ते से बैक आना पड़ेगा आपको। एंड गाइस अभी 4 बज रहे हैं आई थिंक, सर चार कितना बज रहा है टाइम अभी, 4 बजे तो अभी 4 बज रहे हैं, सब बच्चे लोगों का मतलब स्कूल छुट्टी दे चुका है, तुम देख सकते हो स्कूल छुट्टी हो चुका है। सो गाइस हम लोग अभी घूम रहे हैं थोड़ा एंड देखेंगे रात को कैसा लगता है अभी। एंड वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है, आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगे तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट करना तो जो भी मन चाहे। एंड सुबह क्या बोल रहे हेलो क्या बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और क्या लग रहा है आज कुछ नहीं।
ये गार्डन गार्डन लग रहा है लड़की देख के। गाइस हम लोग का पास्ता आ रहा है, पास्ता सुबह भाई पास्ता खाएगा। सो हम लोग अभी पास्ता खाने वाले, बहुत भूख लग चुका है अभी, तकरीबन 5 तो बज चुका है। एंड देखेंगे उसका लाइटिंग वाइटिंग क्या था, कैसा होता है पास्ता। पास्ता का भी पॉल्टन के किचन बोले थे, पॉल्टन के पॉल्टन तो वीडियोटा देख लो, किचन बोल पॉल्टन गिरा खूब मिस कर ला है, पॉल्टन मिस कर ला तो जी जीवे जाए डंबल छुड़े मार बोलता है पॉल्टन। अच्छा भाई जीवे 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 बॉडी सॉरी बनाने का पल्ला है गाइस, बहुत भूख लगा है यार, बहुत जल्दी से खा लेते हैं अभी। फाइनली गरम गरम पास्ता आ चुका है। सुबह तो उधर ही लगा पड़ा हुआ है, सुबह का तो खाने के खाने से मतलब है, सुबह को भूख लगा, ये खाने से मीर सा ये खाने से भूख भूख चला जाएगा, नहीं चलेगा तो फिर सुबह बहुत खुश है, पीता है सुबह का, मम्मी को बोलना पड़ेगा अभी। বুঝছি আর কত ফটো তুমি গাইস ঠরকি দোস্ত মেরা ক্যা মিল ক্যা মিল ক্যা ক্যা ক্যাচ 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 কর ক্যা মিল গা ক্যা মিল গা दुकान में आके हम गेम खेल रहे हैं। हम लोगों के उधर लॉटरी होता है, लॉटरी ये भी लॉटरी हो, ये भी लॉटरी लॉटरी है। अच्छा क्या है अभी, क्या इसमें वो भी लॉटरी जैसा खेल खेल रहे हैं, और मेरा तो कुछ नहीं मिला भाई, तो इसका लक देखते हैं कैसा होता है। सब लोग इधर 20 रुपीज पे करके, एंड इधर 3 अगर मैचिंग कर गया मतलब एनिमल तो आपको 40 रुपीज मिलेगा, एंड पीछे में सब कुछ दिया हुआ है। अभी देखते हैं शुभ का लक कैसा होता है। कुछ मैचिंग नहीं हुआ, बैड लक, शुभ को कुछ नहीं मिला। दे दे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला। लोग उधर जैसा लॉटरी जैसा गेम खेलना होता है, सो इधर भी सेम, इधर 20 रुपीस करके खरीदो एंड स्क्रैच करो, अगर जानवर मिल जाता है 3 जानवर मिल जाता है तो आप लोगों को 40 रुपीस मिलेगा, एंड 4 जानवर मिल जाए तो मतलब आपको 140 मिलेगा, एंड 5 मिल जाएगा तो 500 मिल जाएगा आप लोगों को। बस ऐसा कुछ है इंटरफेस, आप लोग देख सकते हो। एंड बाय द वे मैंने तो 2 खेला, सुबह खेला कुछ नहीं मिला, छोड़ो अभी 300 में खरीदा तो आईफोन सब कुछ मिल सकता है, बट लक्की भाई लक्की चीज़ है वो अभी। तो गाइस हम लोगों ने मस्ती चीज़ लिया है भूटान से, एंड बाय द वे वो इंस्टाग्राम में मैं वो पोस्ट करने वाला हूँ, सो आप लोग मेरा इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, सब लोग देखो एंड आप लोग मेरे को कॉमेंट करना, ठीक है मैं बोल दूंगा। प्राइस भी बहुत ही सस्ता है, एंड देखने में लगेगा सस्ता है, बहुत देखने में भी बहुत अच्छा है, एंड आप लोग इंस्टाग्राम पे आ जाओ, मेरे को फॉलो करो जल्दी से, मैं एक पोस्ट करने वाला हूँ, ठीक है आप लोग उधर लाइक शेयर कमेंट करना। प्राइस बता दूंगा इनबॉक्स करना, ठीक है। अब भूटान आओ घूमने में, भूटान बहुत ही अच्छा मतलब कंट्री है बोल सकते हो। हम लोग को भूटान टका मिल गया है, सो बहुत सारा भूटान टका है इधर, और इंडिया रुपीज भी है। अभी हम लोग बाइक लेके चलने वाले हैं इंडिया, भूटान छोड़ के,
बाय बाय भूटान, नेक्स्ट टाइम आएंगे फिर से कभी। बाय बाय भूटान। गाइस वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड सब्सक्राइब करो यार, मैं चाहता हूँ सब लोग सब्सक्राइब करो एंड और भी वीडियो आएगा, बट मैं थोड़ा बहुत दिन बाद बार वीडियो अपलोड करता हूँ तो थोड़ा भाई मैनेज कर लेना, कोई बात नहीं। आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं डेली वीडियो बनाऊंगा, बट आप लोगों का प्यार रखो यार, प्यार करो मेरे से एंड लाइक शेयर एंड कमेंट करना। एंड भूटान पैसा है अभी, फिर से भूटान आऊँगा फिर खर्चा करूँगा, ठीक है। और आप लोग इंस्टाग्राम पे जरूर आओ, एक चीज़ दिखाना है आप लोगों को, मैं यूट्यूब पे नहीं दिखा सकता हूँ आप लोगों को, इंस्टाग्राम पे आओ जल्दी से। वो मेरे को छोड़ के चला जा रहा है, मेरा दोस्त चला जा रहा है मेरे को छोड़ के, और मैं भूटान में रह गया। और अभी मेरे को अभी उधर से एग्जिट करना पड़ेगा क्योंकि मैं पैदल आया, सो बाइक लेके एंट्री सिर्फ एक ही आदमी कर सकते हैं, सो बाइक लेके आया तो उधर से हो जाएगा एंड हम लोग इधर से जाएंगे अभी। So guys, finally हम इंडिया आ चुके हैं भूटान से एंड भूटान ए रहा भूटान का गेट। तो इधर से सुबह एंट्री किया था बाइक लेके और हम लोग उधर से एंट्री किए थे। तो बाय द वे ब्लॉग अच्छे लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक एंड शेयर करना एंड और भी इंटरेस्टिंग जगह पे जाऊंगा, ठीक है। और आप लोग इंस्टाग्राम पे जरूर आना, एक चीज़ दिखाना है आप लोगों को, फॉलो करना इंस्टाग्राम पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जल्द से फटक से फॉलो करो एंड सुबह का वेट करते इस ब्लॉग को, यही पर ही ख़त्म करते भूटान एपिसोड को। जयगांव जयगांव सिटी।